वैसे तो सरकार कोशिश करती है कि देश के हर नागरिक के पास खुद का एक आशियाना हो, लेकिन आज भी सरकार की इन योजनाओं पर पलीता लगना आम बात है। आज भी हम आपको एक ऐसी महिला से रूबरू करवाएंगे जो खंडर में रहने को मजबूर है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई भी सुध लेने वाला यहाँ पर नहीं है। खैर, महिला का जज्बा सभी जिम्मेदारों पर तमाचे से कम नहीं है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही शासन प्रशासन पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है। तभी तो आज हम कह रहे हैं सवालों के कटघरे में सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पत्र की विशेष संवाददाता ममता ग्वालवंशी की ये खास रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में आशियाने की आस में एक साहसी महिला अपनी जिंदगी काट रही है। पिछले 25 सालों से उत्तरासोनी खंडर में रहने को मजबूर है। इतना ही नहीं, बारिश के समय में उन्हें शौचालय की शरण लेनी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक महिला क्यों इतनी तकलीफ में अपना जीवन बिता रही है? सरकार आज तक उत्तरासोनी को आशियाना क्यों नहीं दे पाई? मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें बेमेतरा जिले से महज कुछ ही किलोमीटर दूर खामही गांव की है। यहां पर उत्तरासोनी नामक महिला लगभग 25 सालों से रह रही है। आपको बता दें, एक अकेली महिला खंडर में रहकर जीवन काट रही है। आखिर महिलाओं के हित में बात करने वाली सरकार आज तक उत्तरासोनी को आशियाना क्यों नहीं दे पाई? सुनिए इस मामले में पीड़िता उत्तरासोनी का क्या कहना है। 2-3 साल से लगभग अभी तक सरपंच इसके बारे में सरपंच से शिकायत किए हो? सरपंच शिकायत नहीं करे, बाकी फॉर्म जमा करे रही है सर नाम से, तो अभी तक नहीं आए। कितना साल हो गए फॉर्म जमा किए? करीबन अभी नया सबके बने इंद्रावास के पास वाले घर, और आपका नहीं बना? और जैसे बारिश वारिश होती है तो क्या करते हो आप? बारिश होती तो सेप्टिक में जाती हूँ। सेप्टिक में जाते हो? अच्छा, अभी तक कोई अधिकारी आए हैं यहाँ पर सुनने? आए कई बार, आए थे और पूछा थे, देखा थे, जाते जरूर, लेकिन कोई मतलब के नहीं होते, वापसी हो जाती, मतलब तुरंत यहीं से। अच्छा, ये आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो? बदहाली में जीवन यापन कर रही महिला की अभी तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। एक ओर विश्व महिला दिवस पर नारी सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक नारी को खंडर में जीवन यापन करना पड़ रहा है। दरअसल जिम्मेदार अधिकारी की उदासीनता की ये बानगी है, जिसकी वजह से उत्तरासोनी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और इसे आवास से संबंधित ना कई बार हम लोग बोले थे, आज से बात नहीं है, ये तो नया पंचायत बना हुआ कम से कम 30 वर्ष हो गया है। ये छठवां मतलब पंचवर्षीय योजना जो है, और छठवे पंचवर्षीय योजना में होने के बावजूद में कई ऐसे मतलब यहाँ हितग्राही रहे हैं जिनका नाम 40 साल से सूची में रहा है, गरीबी रेखा नीचे सूची में, उसके बावजूद उसकी मृत्यु हो गई, डेट होने के बावजूद में भी आज तक उसके नाम का जो है आवास वगैरह जो है बिल्कुल यहाँ किसी प्रकार की कोई आप खुद देख लीजिए ना भाई, एक महिला है और एक महिला के लिए क्या इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए क्या पंचायत में? जबकि इससे पहले सरपंच को एक बार और आगाह कर दिया गया था, सरपंच को जब ये होता है तब हम लोग तो बोलते चले जाते हैं ना भाई, हमारे गांव की बिटिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली नारा बस मात्र रह गया है। और हम तो आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि इनकी जो बात है अब पूरे शासन प्रशासन तक पहुंचाने कष्ट करें, इसके साथ साथ में यहाँ की एक एक गली में जो है। बहरहाल, एक तरफ नारी के लिए सरकार बड़े बड़े कानून और सुरक्षा की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें सरकार के वादों की पोल खोलती है। आखिर कब मिलेगा उत्तरासोनी को उसका अपना आशियाना, या फिर समस्याओं के बीच जीवन यापन करने के लिए वो इसी तरह से मजबूर रहेगी?